हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षप्रीत कौर और ये है वीडियो नंबर 19 ऑफ द सीरीज हिस्ट्री क्लास 11th. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस इज वेरी लॉन्ग टॉपिक, सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंगोल्स. इस टॉपिक के अंडर आपको पता चलेगा कि कैसे जो है मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया गया था जंगिस खान के द्वारा और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे उनकी अपनी मिलिट्री के अंदर. तो सबसे पहली बात है कि जब एक्सपेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी तो जो आर्मी थी जंगिस खान के पास वो बहुत ज्यादा अनडिफ्रेंसिएटेड थी, मतलब सेम टाइप के लोग थे जैसे कि मंगोल्स एंड टर्क्स, राइट. जैसे जैसे एक्सपेंशन होती गई वैसे वैसे जो आर्मी है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो आने लगे. इसकी वजह से बहुत सी वैरायटी जो है वो आर्मी के अंदर आ गई. इसकी वजह से आर्मी को बोला गया है हेट्रोजीनस, राइट. जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रही थी वैसे वैसे आर्मी भी जो है वो एक्सपैंड कर रही थी, बड़ी हो रही थी. तो इसमें जो है दो टाइप की आर्मीज जो है वो कंबाइन होती थी मंगोल आर्मी के अंदर. पहली एक ऐसे लोग थे जो कि विलिंगली जो एक्सेप्ट कर लेते थे कि जंगिस खान जो है उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे, दे सरेंडर्ड, राइट. तो एक एग्जांपल है टर्किक ओहिगर्स, ये जो है इन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया था. सेकंड टाइप के लोग थे वो लोग जो कि रिजिस्ट करते थे और हारने के बाद आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे. सो दे वर डिफीटेड पीपल. एग्जाम्पल है कैरियाइट्स. I have told you in video number 18 that who are Karaites, right? Aung Khan जो है वो इन्हीं के ruler थे. तो जब जंगिस खान ने Aung Khan को हराया तो ये जो है Karaites वो मंगोल military के अंदर जो है वो शामिल हो गए. उसके बाद जो division है army को different groups के अंदर divide किया जाता है. तो जो जंगिस खान है उन्होंने अपनी army को ओल्ड स्टेपी सिस्टम के अंडर, मतलब पहले जैसे स्टेपीज में जैसे डिवीजन हुई थी उसके अंडर जो है वैसे ही उसका सिस्टम रखा. तो क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल बहुत बड़ी आर्मी है, आपने उस आर्मी में 10,000 सोल्जर्स के बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, राइट. आपके पास बहुत सारे 10,000 सोल्जर्स के ग्रुप हो गए. उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो 10,000 का एक ग्रुप आया आपके पास, आपने उसे और भी डिवाइड कर दिया फर्दर, राइट. आपने उस 10,000 सोल्जर्स को जिन्हें जंगिस खान तुमान बोलते थे, इन ग्रुप को, ट्रूप को क्या बोलते थे, तुमान बोलते थे. तो इस एक ग्रुप को फर्दर 10 ग्रुप्स के अंदर और डिवाइड कर दिया. तो क्या हुआ, हर एक ग्रुप में कितने सोल्जर्स आए, 10,000 का टोटल था. तो अब 1,000 सोल्जर्स का और ग्रुप्स 10 बना दिए, राइट. उसके बाद जो ये एक और ग्रुप आए 10,000 में से 1,000 एंड ऑल ऐसे करके 10 ग्रुप आ गए हैं. अब ये जो 1,000 हैं इन्हें फर्दर 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो एक ग्रुप में आए 100 सोल्जर्स, राइट. तो ऐसे जो 100 सोल्जर्स हैं उनका ग्रुप बन गया. उसके बाद ये जो 100 सोल्जर्स हैं इन्हें और 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा सोल्जर्स का ग्रुप जो है उससे कोई काम कराना है तो उन्हें 10 के सोल्जर्स को भेज दिया जाता था. अगर बहुत बड़ा कॉन्क्वेस्ट करना है कोई तो तुमान को भेज दिया जाता था जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है. तो ऐसे करके जो है डिवीजन बनाई थी. तो कोई भी जो सोल्जर है वो अपने ग्रुप में से बाहर नहीं निकल सकता विदाउट द परमिशन ऑफ जंगिस खान. जो मिलिट्री हेड होते थे इन ग्रुप्स के उन्हें बोलते थे नोयन, राइट. नाउ अब क्या हुआ कि पहले टाइम पे जो ओल्ड ट्राइबल क्लैन एंड आइडेंटिटीज होती थी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी. मतलब कि जो रिच, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिच जो ग्रुप्स होते थे, ट्राइब्स होते थे इन वीडियो नंबर 17, कि रिच ग्रुप्स होते थे वो तो बहुत ज्यादा जो है पावरफुल होते थे बट पुअर नहीं होते थे. तो जंगिस खान ने एक चेंज किया कि जो ये ओल्ड ट्राइबल क्लैन आइडेंटिटीज हैं, मतलब कि जो रिच लोग हैं उनका कुछ अलग आइडेंटिटी, हायर स्टेटस है, उसे हटाकर मेरिट बेस पे जो है सिलेक्शन किया अपनी मिलिट्री के अंदर. मतलब एक
पर्सन की एबिलिटीज डिसाइड करेंगी कि वेदर ही विल बी अ हायर ऑफिसर या फिर वो एक लोअर रैंक पे रहेगा, राइट? तो ये जो आइडेंटिटी थी एक पर्सन की कि वो जो है एक रिच फैमिली में उसने बर्थ लिया है, वो मैटर नहीं करता। वो चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, उसकी एबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि वेदर ही विल बी अ हाई ऑफिसर या फिर लोअर रैंक वाला ऑफिसर, राइट? तो इसकी वजह से क्या है कि जो चंगेज खान है उनकी जितना क्लोज रिलेशन है किसी भी पर्सन का, उससे एक पर्सन का स्टेटस सोसाइटी के अंदर डिसाइड होता है। तो चंगेज खान जो है ऑनर देते थे उन लोगों को जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज थे, जैसे कि जो कई ऐसे लोग होते थे जो कि उनके ब्रदर जैसे होते थे उन्हें बोलते थे अंडा, एंड जो पुअर लोग होते थे जो कि बहुत ज्यादा लॉयल हैं, बहुत काम करते हैं चंगेज खान के लिए, उन्हें बोलते थे एक ऑनर की टाइप से नौकर, राइट? तो ये दोनों जो है ऑनर्स थे गिवन बाय चंगेज खान। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। So under this topic you will get to know that what was the politics, who was having which power, right, in the Mongol Empire. So firstly हमने discuss किया था about Quarreltais। जो Quarreltais हैं वो क्या थी, in video number 18 I have told you कि ये assemblies होती थी Mongol chieftains की, right? तो ये डिसाइड करती थी कि कैंपेन्स कहाँ पे होंगे, कहाँ पे नेक्स्ट अटैक किया जाएगा कि वो वाली जो रीजन है वो हमारे मंगोल्स के अंडर आ जाए। नेक्स्ट चीज थी जितना भी वो प्लंडर करके लेके आए थे, लूट के लेके आए थे, वो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? देन जो पास्चर लैंड्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट सक्सेशन के बारे में डिसाइड करना, मतलब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा उसके बारे में डिसाइड करना, ये इनकी ड्यूटी थी, ये इनकी पावर थी, राइट? सो जो चंगेज खान है उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनके चार बेटे हैं उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देंगे, जितनी भी उन्होंने एम्पायर आज तक की बनाई है, जितनी भी बड़ी एम्पायर उन्होंने बना दी है। तो उनके फोर सन थे, फर्स्ट जो एल्डेस्ट सन थे उनका नाम था जोची, राइट? जोची को उन्होंने दी रशियन स्टेपीज। देन उनके सेकंड सन थे चाघाताई, चाघाताई को उन्होंने दिया ट्रांसऑक्सियानियन स्टेपीज और वो रीजन जो कि नॉर्थ में पड़ता था पामीर हिल्स के, राइट? तो आप कैसे याद कर सकते हैं इनका कौन बड़ा कौन छोटा है, JCOT, जोची चाघाताई। नेक्स्ट थर्ड सन जो कि ओगुदी हैं, उन्हें जो है वो नेक्स्ट किंग बनाया था आफ्टर ग्रेट खान, आफ्टर चंगेज खान किसे बनाया था, ओगुदी को, और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई काराकोरम में, राइट? यू कैन सी इन दिस मैप आल्सो। उसके बाद जो उनके सबसे यंगेस्ट जो सन थे उनका नाम है तुलु, राइट? जो तुलु हैं उन्हें दी एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया, राइट? जो मंगोलिया की लैंड्स थी वो तुलु को दे दी। नेक्स्ट मिड 13th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो चंगेज खान के चार बेटे हैं उनके अंदर एक सेपरेशन आनी लगी। जो ये चंगेज खान ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उलूस की कि उनकी गवर्नेंस को देखेंगे, उन एरियाज की गवर्नेंस को देखेंगे, उन्होंने जो है इसे अपना एक तरह से अपनी एम्पायर मान लिया और वो जो है सारे डिफरेंट डिफरेंट हो गए, राइट? उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन आने लगा, राइट? तो जो तुलु के जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब कि तुलु के जो आगे की जनरेशन थी, इनकी जनरेशन थी, उन्होंने अपनी एक अलग डायनेस्टी बनाई जैसे युआन एंड इल्खानिद डायनेस्टी, राइट? जो जोची थे उन्होंने अपनी अलग डायनेस्टी बनाई गोल्डन होड, राइट? तो क्या हुआ कि जो ये एक सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा होना जो है वो शुरू हो गया। तो ये जो हमारे पास फोर सन हैं ये अपने पिछले ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे थे और अपनी जो है जितनी भी मेमोरीज थी उन्हें भी भूलते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि जो तुलुइद ब्रांच है, मतलब जो तुलु के जो डिसेंडेंट्स हैं, उन्होंने जो है हिस्ट्री लिखवाने का एक काम किया, राइट? इसका रीजन है कि वो चाइना और ईरान को रूल करते थे और बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को बुलाते थे हिस्ट्री लिखने के लिए। उनकी जो हिस्ट्री है उसमें पता चलता है कि कितने ज्यादा इनके बीच में फैमिली डिसएग्रीमेंट्स थे, राइट? तो ये पास्ट के बारे में ज्यादा लिखते नहीं थे बट ये चंगेज खान के बारे में जरूर लिखते थे। तो इन्होंने क्या किया कि
इल खानिद ईरान जो है वहां पे लेट 13th सेंचुरी में एक पर्शियन क्रॉनिकल लिखी गई, राइट? मतलब कि जो पर्शियन है, पर्शियन लैंग्वेज में एक क्रॉनिकल, एक डॉक्यूमेंट लिखा गया जो कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है। तो इसके अंदर बताया जंगिस खान ने इतनी ब्रूटल तरीके से इतने लोगों को मारा, राइट? एग्जैजरेशन करी, बढ़ा चढ़ा के बताया कि जैसे कि सिटेडल ऑफ बुखारा को, मतलब कि जो बुखारा के अंदर एक किला बनाया गया था, सिटेडल मींस एक किला, मतलब फोर्ट्रेस, जो कि सारे बुखारा को देखता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअल में 400 सोल्जर्स जो हैं वो लगाए गए थे, ठीक है? और जंगिस खान ने इन 400 सोल्जर्स को जो है वो जो है मार दिया था। बट ये जो इल खानिद ईरान के अंदर जो ये क्रॉनिकल बनी थी, इसमें बताया गया कि 30,000 सोल्जर्स को बहुत ज्यादा ब्रूटली मार दिया गया। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है एग्जैजरेशन की है, राइट? पर ये जो क्रॉनिकल्स होती थी, इसमें ऐसे भी बताया गया है जो जंगिस खान है, जब सारे कॉन्क्वेस्ट हो गए थे, कैसे पीसफुली रह रहे थे, इनके बारे में इयोलॉजीज लिखी गई थी, मतलब इनके प्रेज में काफी सब कुछ लिखा गया था। तो ये था हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।